नमस्कार, मेरा नाम है साजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। देखिए, कश्मीर में जो 89 के दशक में जो दंगे हुए थे, जिसमें हिंदुओं की मास किलिंग की गई थी और उसमें जो है काफी ज्यादा संख्या में जो हिंदुओं को मारा गया था, उसके बाद जो है वो मामला शांत हो गया था। लेकिन फिर 2021 में जो एक फिल्म आई, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म आने की चर्चा हुई कश्मीर फाइल्स के नाम से, और उसके बाद 2022 में जब वो फिल्म रिलीज हुई, तो उसके बाद जो है फिर से लोगों के मन में 89 के दशक का वो दंगा दिमाग में घूमने लगा कि कैसे हिंदुओं के साथ जो है वहां पर मास किलिंग और बुरी तरीके से हिंदुओं की हत्या की गई। कश्मीर फाइल्स फिल्म में दिखाए गए अगर सीन्स की बात करें तो वो सीन्स 1% भी नहीं है जो वहां के हिंदुओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया। और अब आप देखिए कि वहां पर जो मृतक थे, उनके बेटे ने, आशुतोष नामक उनके बेटे ने, एक पंडित जिसको मारा गया था वहां बुरी तरीके से, उनके बेटे ने जो है सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की। और अब देखिए कि याचिका दायर करने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के बेंच ने जो है सुप्रीम कोर्ट की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल याचिकाकर्ता के तरफ से जो है पक्ष लड़ रहे थे गौरव भाटिया, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों का जो है वहां पर हवाला देते हुए इस मामले को पेश किया था। लेकिन कोर्ट ने जो है कहीं ना कहीं इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया। अब देखना है, ये दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन।